हम अपनी ज़िंदगी से भले खुश हो ना हो, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी ज़िंदगी के लिए तरसते हैं। मैं आपके सामने लाऊंगी कुछ खूबसूरत बातें और दिखाऊंगी कुछ मुश्किलात जिनके बाद मिली बहुत सारी खुशियाँ। वेलकम बैक टू द एनी खान शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग नाज़रीन से बात कर रहे थे और इट्स अबाउट लाइफ आफ्टर लूजिंग योर हस्बैंड। आई एम श्योर नाज़रीन के साथ बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी सारी चीज़ें डील करने में। थैंक यू सो मच नाज़रीन आपकी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप जो है चीज़ें हुई, आई नो कि एक मिनट में वो आपके साथ थे, सेकेंड मिनट में वो आपके साथ नहीं थे। आपको उनके जाने के बाद किस तरह की चीज़ों से डील करना पड़ा? सबसे पहला जो प्रॉब्लम हुआ वो वॉज द वेवर ऑफ ऑटोप्सी जो है वो करनी पड़ी मुझे। सो जैसे कि मुझे आपने बताया था कि उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन क्या उसके पीछे स्टोरी थी कुछ भी नहीं, आपको अभी तक नहीं पता? नहीं, एक्सीडेंट हुआ था, इट वॉज अ सिंगल व्हीकल एक्सीडेंट एनी, एक्चुअली देर वॉज नो अदर कार इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट। तो अब उनके साथ एग्जैक्टली उस वक्त बिकॉज हमने ऑटोप्सी नहीं की, हमको ये नहीं पता है कि 100% उनको हार्ट अटैक आया था या इट वॉज़ अ हेमरेज और इट वॉज समथिंग एल्स, या गाड़ी के नीचे कुछ आ गया या समथिंग एल्स। लेकिन उस वक्त उनको, हमें ये पता है कि एक्सरेज से पता चला कि उनका ना फ्रैक्चर था ना कुछ ऐसा लगा, जिसकी वजह से, जो इम्पैक्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ऑटोप्सी ने वो रूल आउट किया and it became more of an undetermined cause of death because they couldn't do the full autopsy. So signing on that form was the first biggest decision. Dusre din jab burial tha, us din funeral ke liye nikalne se pehle phir mujhe Cook County se hospital se phone aata hai, why are you waiving the autopsy? Do you realize ke death certificate pe it will be undetermined? And I didn't know what to say. Kya problems aaye aapko unke jaane ke baad? Kafi sari, waise to just getting all the paperwork in order. You know, I had to make a list. Maine bahut sare phir after jab burial ho gaya 3 din ke baad mein, phir maine I had to come up with the right attitude jo hai. Yeah. वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मुझे अपने आप को संभालना था पहले, और मेरे 3 बच्चे हैं। फर्स्ट थिंग दैट जो आया मेरे दिमाग में वाज लाइक, ओह माय गॉड नदीम, तुमने मुझे 3 बच्चे छोड़ के गए, मैं किस तरह हैंडल करूँगी, कैसे सपोर्ट करें? फैमिली तो सभी थे उस वक्त, आई मीन एवरीबडी वॉज देयर विथ मी। मेरी अम्मी जो है वो 10 दिन मेरे साथ में रहीं, मेरी सास वगैरह तो हमारे साथ में ही रहती थी, लाइक काफ़ी सारे फैमिली जो है वो 3 दिन तक हमारे साथ में फैमिली में रहे, हमारे घर रहे, और फिर एक एक करके सब चले गए। लेकिन मैं उस किस्म की हूँ जो आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन माय ओन, आई डोंट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी। नासीन, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, क्या हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इस तरह का होता है कि जब वाइफ की डेथ होती है तो वो तो एक अलग सिचुएशन होती है, लेकिन जब हस्बैंड की डेथ होती है तो एक औरत के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की जो है ना एक्सपेक्टेशन फैमिली की तरफ से, इवन इमीडिएट फैमिली नहीं कहूँगी, बाहर के भी जो मामा खाला चाचा हैं वो सारे आके जो एक बॉसिज्म शुरू कर देते हैं, ओ ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं जाओ, वैसे नहीं जाओ। आपके साथ ऐसा हुआ? डायरेक्टली तो इतना सब नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली काफ़ी सारे लोग लाइक एक्सपेक्टेशंस ये रही कि ओके नदीम नहीं है, अब तुम्हें हमें संभालना है, लाइक माय इन-लॉज ने, दूर के रिश्तेदार, ऐसा नहीं कि मेरी सास ने मुझसे ऐसा कहा, लेकिन दूर वालों ने लाइक तुम्हें हमें सब संभालना है, जिस तरह नदीम हमको हम सबको संभालता था। एंड आई एम लाइक, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, मुझे मेरे बच्चे संभालने हैं, दूसरे कोई नहीं, ना मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरे भाई बहन नहीं, मुझे मेरे बच्चों को संभालना है, दैट इज़ माई प्रायोरिटी, क्योंकि उनका बाप नहीं रहा। आई एम ऑल दैट दे हैव। और फिर दूसरा था कि यू नो, ऐसे मैंने काफ़ी बार देखा कि लोगों को जब जिनके हस्बैंड्स गुजर जाते हैं तो डेथ के बाद ये नहीं पहनो, वो नहीं पहनो, ऐसा नहीं करो। मेरी खुद की फैमिली में मेरी 3 मुमानियाँ जो हैं वो विडो हो चुकी थी एट अ वेरी यंग एज, ऑल ऑफ देम। सो मैंने सुना था काफ़ी बार, लाइक पीपल वुड टॉक अबाउट दैट, ओह वो ऐसे कपड़े पहनती हैं, वो करती हैं, वो वैसा करती हैं, बट यू नो व्हाट, मेरा ये सोचना है कि
किसी के कपड़े पहनने से, लाइट ब्राइट डार्क कुछ भी पहनने से कुछ नहीं होता, तुम्हारा दर्द कम नहीं होता कुछ. लाइक कान में ज्वेलरी नहीं पहनो, हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनो, ये सब उतार देने से आपका दर्द कम नहीं होता. तो मुझसे भी कहा गया कि ओ आपकी नोज़ रिंग उतार दो क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है. मैंने कहा सॉरी, ये मैं नहीं करूँगी, क्योंकि भले सुहाग की निशानी होगी, मैंने उसको सुहाग की निशानी समझ कर नहीं पहनी थी, मैंने अपने शौक से पहना था और मेरे शौहर को भी पसंद थी है, तो आई एम नॉट टेकिंग इट ऑफ. तो बहुत ज़्यादा बार ऐसा हो जाता है कि हमारी कम्युनिटीज़ की जो औरतें होती हैं वो प्रेशर में आके बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती है जो उनको ज़रूरत नहीं है. दे डोंट हैव टू फॉलो दोज दीज. यही जो चीज़ें छोटी छोटी हो जाती है वो आगे बढ़कर जो है वो रिचुअल्स बन जाती है, ट्रेडिशंस बन जाती हैं, जो वी डोंट हैव टू फॉलो दिस. दिस इज़ नॉट रिटन एनीवेयर कि ऐसा नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. हाँ, मैं इद्दत में थी, मैंने हिजाब ओढ़ लिया था एंड एवरीथिंग, आई कवर्ड माई सेल्फ अप एंड आई वॉज डूइंग दैट. यहाँ तक कि मेरे घर में दूसरे दिन मेरे हस्बैंड को दफना कर आए हैं और मेरे ही घर में मेरी बेस्ट फ्रेंड जो गोरी है वो, उसको लोग ये तक के पूछ रहे हैं कि उसके हस्बैंड की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी या उसका 401k था. अभी मेरे हस्बैंड को हम दफना कर आए हैं, वो अभी तक उसकी मिट्टी ठंडी नहीं हुई है. दिस इज़ नॉट योर बिजनेस. किसी को कोई हक नहीं बनता ये सारे सवाल करने का, भले यू आर थिंकिंग इन अ गुड सेंस और एनीथिंग, दीज क्वेश्चंस शुड नॉट कम अप एट दैट टाइम. यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक. ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग द एनी खान शो. हम अपनी ज़िंदगी से भले खुश हो ना हो, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी ज़िंदगी के लिए तरसते हैं. मैं आपके सामने लाऊंगी कुछ खूबसूरत बातें और दिखाऊंगी कुछ मुश्किलात जिनके बाद मिली बहुत सारी खुशियाँ. Seventh investments, you guys are awesome.